असल आज डेट है थर्ड ऑफ फरवरी और आज हम बात करने जा रहे हैं एम एस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जी हां दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर कंपनी ट्रेड कर रही है और आज की डेट में दिखाया है कंपनी ने 16 का पॉजिटिव रिटर्न वहीं अगर हम चार्ट पैटर्न पे गौर करें तो एक हफ्ते के चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं 7 परसेंट का नेगेटिव ग्रोथ है वहीं अगर एक महीने की बात करें तो 24 परसेंट का नेगेटिव ग्रोथ है एक साल की अगर हम बात करें तो 47 परसेंट का निगेटिव ग्रोथ है वहीं अगर हम पांच साल का ग्राफ देखें तो 27 परसेंट का निगेटिव ग्रोथ है मैक्सिमम में अगर हम जाएं तो 27 परसेंट का निगेटिव ग्रोथ है ये स्टॉक 2017 में लिस्ट हुआ था और किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है कंपनी फाइनेंस रिलेटेड इंडस्ट्री को बिलोंग करती है स्मॉल कैप कंपनी है टू करोड़ का मार्केट कैप है और ये स्टॉक सिक्स पर रैंक कर रही है वहीं अगर हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की तो कंपनी प्रोफाइल देख सकते हैं एम एस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज एन एन बी एफ सी इट ऑफर्स वेरियस प्रोडक्ट्स सच सचैस माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन टू व्हीलर लोन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लोन और कॉमर्शियल व्हीकल लोन ठीक है तो लोन बेसिकली ये कंपनी प्रोवाइड करती है और कुछ इस तरीके से वेबसाइट है देख सकते हैं एम एस डॉट को डॉट इन देखिए माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन यानी एम हो गया सैलरीड पर्सनल लोन हो गया एस टू व्हीलर लोन हो गया या फिर मशीनरी लोन हो गया या फिर इंडस्ट्रियल शेड लोन हो गया सारे हर तरीके के लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है ठीक है तो इस तरीके से ये ओवरऑल है कंपनी की वेबसाइट और बिजनेस भी आपको समझ में आ गया होगा कंपनी का मेनली फाइनेंस रिलेटेड कंपनी फाइनेंस रिलेटेड बिलोंग करती है और लोन प्रोवाइड करती है हर फील्ड में तो ये तो बात हो गई वेबसाइट की अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की तो so, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28.45 वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.85 वहीं सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.40 वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है 2.15 वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास है 73 परसेंट की अच्छी खासी होल्डिंग वहीं म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी होल्डिंग है एट की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है 1.44 और 1.62 परसेंट की होल्डिंग रिटेल के पास 14.81 परसेंट की होल्डिंग है तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है शेयर होल्डिंग पैटर्न में और वहीं अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन एम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का दिसंबर का हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे देन हम पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट देखेंगे देन हम लास्ट में देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे ओवरव्यू तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके तो पहले हम क्या देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स देन हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देन हम देखेंगे नेट प्रॉफिट तो सेल्स अगर हम देखें तो 156 करोड़ का सेल्स दिसंबर क्वार्टर में हो गया है वन करोड़ का वहीं सेप्टेम्बर क्वार्टर में जो वन करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो हो गया है वन करोड़ वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें थर्टी करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका बढ़कर हो गया है फोर्टी करोड़ तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है और इनका नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है तो बात करें अगर इनके मार्केट कॉम्पिटिटर की तो मार्केट कॉम्पिटर कौन है बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस एस बी कार्ड बजाज होल्डिंग मुथुट फाइनेंस कॉलमैन इन्वेस्टमेंट और एच डी ये इनके मार्केट कॉम्पिटिटर है पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कुछ भी नहीं है निगेटिव पॉइंट क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी लो है कंपनी का तो सिर्फ ये एक नेगेटिव पॉइंट है वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी की ओवरव्यू की तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप डॉट इन एम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का जो इंटरेंसिक वैल्यू है वो अभी सही है रिटर्न वर्सेस एफडी की अगर हम बात करें तो एफडी से अच्छा रिटर्न इसने दिया है डिविडेंड कंपनी अच्छा पे आउट नहीं करती गई एंट्री पॉइंट के लिहाज से स्टॉक अभी ओवरबॉर्ड जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग है इस कंपनी पर फिलहाल तो ये थी मेरी वीडियो एम एस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में वीडियो में मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिए और निगेटिव पॉइंट भी बता दिए और किस वेबसाइट के द्वारा के थ्रू मैं बता रहा हूँ वो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया उसका रेफरेंस दे दिया तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं और इस तरीके से ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़ जय हिंद